नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में, अ कंपोजिट ब्लॉक इज मेड ऑफ स्लैब्स ए बी सी डी ई, जिनके कंडक्टिविटीज भी अलग हैं, जिनके लेंथ भी अलग हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी ध्यान से देखो तो अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे सामने जो फिगर है वो टू डायमेंशनल फिगर है, तो इसका एक डायमेंशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और भी होगा, जो हमको इसमें दिख नहीं रहा है। ये थोड़ा पहले समझना ध्यान से, क्योंकि तभी हमें इनके रेजिस्टेंसेस ठीक से समझ में आएंगे। मतलब ये तो सामने हमको दिखाई दे रहा है, उतना पार्ट है, देखो मतलब इस तरह से है ये, ठीक है ना। तो जब हम ए को दिख रहा है, ए का जब हम लोग एरिया लिखेंगे ना, तो उसके ए का एरिया और ई का एरिया एक तरह से सेम आएगा, तो उसमें ये पूरा एरिया आएगा, मतलब ये पूरा एरिया ई का एरिया और ए का एरिया बनेगा। तो अब ये क्योंकि कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको सर्किट की तरह सॉल्व करें और रेजिस्टेंस निकालते हैं हर एक का अलग अलग। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखो तो पहले इसमें ए और बी कनेक्टेड है, फिर इधर इसमें तीन ब्रांचेस इधर हैं बी सी डी, और फिर इधर ई फिर से है। तो इसको मैं बोल देता हूँ रेजिस्टेंस आर ए, ठीक है। फिर ध्यान से देखो तो आर बी, आर सी और आर डी, ये तीनों पैरेलल में हैं, और इधर आने वाला आर ई फिर से सीरीज में है, ठीक है ना। अच्छा, इनकी वैल्यूज लिखते हैं। आर ए की वैल्यू क्या बनेगी, तो लेंथ की जगह ध्यान से देखो तो एल आएगा, अपॉन के की जगह टू के आएगा, और एरिया आप ध्यान से देखो तो अगर हम ये वाला डायमेंशन सभी के लिए सेम ले लें, क्योंकि ये तो दिया नहीं है तो ये सेम डायमेंशन है, तो जो इसका एरिया होगा वो 4L के प्रोपोर्शनल होगा, तो एरिया की जगह हम लोग 4LD लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से 1/8AD आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम आर बी निकालें, तो लेंथ की जगह आएगा 4L, अपॉन ए की जगह आएगा 3K, और एरिया की जगह ध्यान से देखो तो एल इंटू डी मिलेगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू आएगी 4/3KD। इसी तरह से आर सी की वैल्यू बनेगी 4L/, ए की वैल्यू है 4K, और ये 2LD बनेगा। तो ये आएगा L/2KD, देखना ध्यान से। और आर डी निकालेंगे तो ये होगा L/5K और इंटू LD, तो ये आएगा 1/5KD, ये भी 1/ होगा। और आर ई निकालें अगर हम लोग, तो आर ई की वैल्यू होगी लेंथ की जगह एल, नहीं डी में हम लोगों ने एक चीज 4L होगा ना, 4L/5KD, तो 4/5KD। आर ई की वैल्यू बनेगी L/6K और इंटू 4LD, देखो तो ये आएगा 1/24AD। अभी थोड़ा अलग टाइप का है, ए का जो रेजिस्टेंस है वो 1/8 के प्रोपोर्शनल है, ये 4/3 है, ये 1/2 है, ये 4/5 है, और ये 1/24 है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो कह रहा है कि हीट फ्लो थ्रू ए एंड ई आर सेम, तो ये तो क्लियर है भाई, जितना करंट इधर से जाएगा वो उतना पूरा का पूरा करंट इससे भी पास होगा, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। देन फिर आते हैं, फिर कह रहा है कि हीट फ्लो थ्रू ई इज मैक्सिमम। तो देखो हीट फ्लो थ्रू ई हम लोग मैक्सिमम इसलिए नहीं बोल सकते, क्योंकि जितना हीट फ्लो ई से हो रहा है उतना ही ए से भी हो रहा है। फिर आते हैं सी ऑप्शन में, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब ई इज स्मॉलेस्ट। अब अगर हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, देखो ये जो रेजिस्टेंस है आर ए, ये वैल्यू आ रही है 1/8, ध्यान से देखना। अच्छा, आर बी, आर सी और आर डी, एक्चुअली ये आर डी है, इन तीनों का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब ये है कि ये जो रेशियो दिए हुए हैं इनको अगर हम इनवर्स में ऐड करें और फिर से रेसिप्रोकल ले लें, तो ये वैल्यू कितनी आएगी निकल के, यानी ध्यान से देखना,
यानी 3/4 प्लस 2/1 प्लस 5/4, ठीक है। तो ये वैल्यू 4 आ रही है, उसका फिर से इन्वर्स कर देंगे तो ये 1/4 आ जा रहा है। देखो ध्यान से, तो ये वैल्यू 1/4 के प्रोपोर्शनल आ रही है और आर ई की वैल्यू 1/24 है। अब देखो सीरीज में जो वोल्टेज होता है, यहाँ पे टेम्परेचर का मतलब है वोल्टेज से, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना, टेम्परेचर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसका टेम्परेचर डिफरेंस भी सबसे कम होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस ई के अक्रॉस मिनिमम बनेगा, और मैक्सिमम बताना हो तो बी सी डी के अक्रॉस बनेगा मैक्सिमम, क्योंकि वो 1/4 आ रहा है। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है हीट फ्लो थ्रू सी इज इक्वल टू थ्रू बी प्लस थ्रू डी, मतलब सी से जितना हीट फ्लो हो रहा है वो बी और डी के हीट फ्लो के सम के बराबर है। तो इसके लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि बी और डी को कंबाइन करते हैं, आर बी और आर डी को, ठीक है ना। तो जरा ये बताओ आर बी इंटू आर डी अपॉन आर बी प्लस आर डी, ये वैल्यू कितनी आएगी, यानी बी और डी को सिर्फ कंबाइन करो 4/3 और 4/5। तो 4/3 और 4/5 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये 1/2 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल आ रहा है आर सी के, तो फिर ये डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी और डी का कंबाइंड रेजिस्टेंस सी के रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है। बी और डी का कंबाइंड रेजिस्टेंस सी के बराबर आ रहा है, आप इसको कंबाइन करके देख लीजिए। तो इस हिसाब से हीट फ्लो सी से उतना ही होगा जितना बी और डी का कंबाइंड हीट फ्लो है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से एक बार देख लो।